या कुछ जी बैठ जाए, क्या हो रहा है? बैटर लाइट का नहीं है। ऐसे ही है कल के मुझे नहीं एक्सपायरी मुझे कुछ करना है लेकिन मुझे तो खैर 1 मिनट है करके फिर 1 मिनट बनता जाता है उसमें पैसा। कितना ही लोगों मिनट चाहिए होता है। या नो, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। जय श्री राम भाई। आज क्या लिया जाए धीरज भाई? आज तो हम जैसे अमीरों के लिए कोई मार्केटिंग ही बनी है। सेंसेक्स
थिंक यू आर हैविंग फन मिस्टर धीरज। ठीक है, वाइट करते हैं। यार अब ठीक है, अब आए मैं बीच में। ओके देखते हैं अब क्या है आज का सीन। व्हाट वी गॉट हियर। एक्सपीरियंस सेंसेक्स क्यों नहीं दिखा रहा है इसमें, सेंसेक्स नहीं है इसके पास। व्हाट इज दिस बिहेवियर। चलो अब मैं तुम्हें, कहाँ गए सारे लोग, आ गए क्या, कितने लोग आ गए। यूट्यूब पे जा यार, जानी जानी नहीं, अरे भी देखना पड़ रहा है। मैं 72,400। यार एक काम करते हैं ना, सेंसेक्स सेंसेक्स का एक वो ले लेते हैं पुट। क्या हो गया है कॉल कॉल सॉरी कॉल कॉल 72 कितने में, 72,800 के करीब की। अरे तो बहुत, अरे रहने दो यार, बहुत महंगा है यार, गलने दो भाई, रहने दो अभी, रहने दो यार। बहुत महंगा है, गलने देते हैं आधे दिन में इसको पहले एक बार, तब तक एनालाइज कर लेते हैं इसको, देखे रहते हैं। मैं बलराम उसका बड़ा भैया, अगर हम अमीर होते हम ट्रेड वगैरह लेते कुछ 5-5, 10-10 पॉइंट के, तो किस प्रकार लेते वो देखते हैं अभी। लेकिन वॉल्यूम की दिखा देता होगा यार मेरे को, भाई दिमाग खराब कर देता है मेरा। लेना मत, ठीक है इसको, अभी थोड़ा महंगा है ये, लेना मत, खाली चेक करेंगे हम बस। अब बवाल है यार इसका ही। मार्केट में आने में लेट हो गई, कल बना के इसको खाली लेके रखो अभी, ठीक है, महंगा है ये, इसमें हम अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, पैसा नहीं फंसाएंगे ये कह सकते हैं बस। तो आराम से लेके रखो अभी, देखो क्या होता है। खाली मतलब देखना इसको, ठीक है, लेगा कोई नहीं इसको, ये बहुत महंगा है। हाँ यार धीरे, जो तुम्हें कह रहा हूँ, ये जो आज प्रीमियम अभी जो रेट चल रहा है ना, गरीबी छा जाएगी ऐसे तो हमें।
वी विल वेट फॉर द राइट मोमेंट। तो ये कहाँ गया यार सेंसेक्स का चार्ट। यार ये बड़ी बेकार चीज है यार ये। कहाँ लिया था मैंने वो, बढ़ रहा है, बढ़िया ग्रो हो गया। देखो सही गया नहीं गया ऊपर को। अच्छा ग्रो, अच्छा दे दिया इसने, 1:2 के करीब बढ़िया गया देखो। लेकिन अब क्या करें, गरीबी ठहरी ना, कुछ नहीं कर सकते इस गरीबी का यार। भाई देखो बढ़िया गया, अब गरीबी साला यार, ये गरीबी ना, सुबह सुबह अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोगों ने लगभग लगभग 1:3 की लगभग ट्रेड मार दी है। बट कोई ना, अभी जब सस्ता होने तो दोबारा मारेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है अब ये ओटीएम था, फिर भी मैंने कहा फिर भी महंगा है, इससे नीचे भी थे। बट क्या है ना, हम अगर उसी में फंस गए कि 200 रुपये लगा के 220 रुपये के में खुश हो गए, नहीं। अभी देखो यहां से मार्केट अच्छी खासी उठी, 18 से ये उठी अच्छी खासी गई। अगर इसको मैं एवरेज भी देखूं तो 1:2, 1:2 मतलब 2.5 के हिसाब से उठी है। बट कोई ना, इसको छोड़ो अभी, अब थोड़ा सस्ता होता है, प्रीमियम गलने दो। आज आज बढ़िया लग रहा है मुझे, बहुत अच्छे जोन पे है। ठीक है, आते ही मार्केट में तहलका मच गया इधर यार। नहीं ऐसे लगाया क्यों धीरज, मजा आया नहीं? इसने जाना है अभी यार, मैं तुम्हें बताता हूँ मार्केट जाएगी 72,800 तक। कहाँ, एक तो इसमें चार्ट इससे खुलते हैं, 72,800 तक मेरा इसका वो है कि भैया ये मार्केट 72,800 तक जाएगी। ऐसी मूवमेंट तो हम छोड़ देते हैं यार, पकड़नी नहीं है जहां पर महंगाई है। भैया पैसा बचा के चलना है। वेट करते हैं थोड़ा सा, गलने देते हैं इन कॉलों को ना पहले, थोड़ा सा थोड़ी देर रुकते हैं मार्केट के अंदर। बाकी तो आज मुझे नहीं लग रहा कि हमारे लिमिट के हिसाब से आएंगे प्राइस, बट ये 72,800 इसको जाना है। 72,800 करे जाता है तो आपसे एक अच्छा खासा हमारा बन जाएगा। बेहतर 800 में आता है तो यहाँ से एक बनता है अपना। वेट करेंगे इसका, या फिर नीचे का अगर देखें तो नीचे फिर बहुत दूर बन रहा है। एक रीटेस्ट है 72,000 पे, बट यहाँ पर एक रीटेस्ट है इसका, यहाँ पर ये इतना खास नहीं है। फिर इसके नीचे ही 71,500 पे, तो ये बीच में नहीं घुसनी है, घुसना है चाहे 2-3, 1 बजे मिलेगी 2 बजे मिलेगी, बट यहाँ से लेंगे हम लोग। ठीक है, अरे वो कहाँ गया अभी जो खोला था मैंने यार। कितने का कॉल था भाई लोगों, यार वो याद है कुछ?
300 200 का था क्या वो? चार कितने का था? नहीं नहीं अच्छा, यही यही था, यही था कॉल। देखो कॉल अच्छा चले गया, ये इसके यहाँ लगाया था मैंने साइड टारगेट, ठीक गया, बढ़िया है। 1:67 दिए शायद इसने मेरे ख्याल से, 4 तो इसमें आ गई थी। बट कोई ना, वेट करेंगे मार्केट आएगी जब, ठीक है। गलने देते हैं इसके प्रीमियम को पहले। हमारे दीपक सर हैं यार आज, दीपक सर कहाँ गए यार? दीपक सर हमारे यार, ये अलग अलग चार्ट भी दिखा रहा है यार, इधर रेट कुछ और दिखा रहा है, उधर कुछ और दिखा रहा है रेट। इसके डिले रीडिंग अलग से रीडिंग नंबर पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए? डिले क्या ना, इस पे हाँ डिले आया है थोड़ा, तो ये फास्ट मिलेगा कितने में? कैसे मिलेगा? डेटा इज डिलेड, सेंसेक्स डेटा इज डिलेड बाई 15 मिनट बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रिक्वायरमेंट टू गेट रियल टाइम डेटा फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, प्लीज बाई रियल टाइम डेटा एंड पैकेजेस। व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये भी 641 चल रहा है। अच्छे इनके चार्जेस होते हैं यार, मैंने 500 रुपये के एक ये BSE का डेटा, तो BSE का भी ले सकते हैं। अरे बड़े खतरनाक खतरनाक रोल निकाल दे रहे हैं यार ये। कहाँ गया है दीपक तू? क्या ट्रेड दिलाई मैंने? खरीदी नहीं थी वो बात अलग है। जग सुना सुनी अच्छा अच्छा अरे ले लिया तूने? अरे नहीं यार, रुक जा मैं एक बार चेक कर, रुक जा लाइव दिखा दो। ITC है ना ये, ITC। अरे बढ़िया यार, लग गया तेरे, लग गया, लग गया भाई, लग गया हाथ, लग गया। इसके जोन बता देता हूँ मैं तेरे को भाई, सीधे 480 दिन के हिसाब से। डेज का दिखा देखा होगा ना तूने, डेज का होगा ना तेरा? आज हम भी लेते हैं यार इसको, इसका देखते हैं कुछ। 427 37 52 62 70 80 प्राइस क्या है इसका? कॉल ये क्या क्या सीन हुआ है भाई? अच्छा अप्रैल का लिया है ना तूने? हाँ अप्रैल का लिया है तूने, सही है। होल्ड कर ले इसको, सही है ये, 480 है इसका अगला, 480 है। दिन पे, दिन के हिसाब से बन रहा है, जो डेज पे देखेगा तो 465 से लेके 480 है डेज के हिसाब से देख रहा है तो। और 4 आवर पे भी वही बन रहा है, 480 470, बीच में रुकेगा 440 और 450 पे। यही तो है भाई, इनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होता ना, ये चाहते हैं कि बस इनके हिसाब से मार्केट चले, और कुछ नहीं है, कोई आजादी नहीं है इस देश में, ये कुछ नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं कोई, दिंगे ही नहीं है, बात खत्म। ये गरीब की ऐसा वाला सीन है। मार्केट तो अच्छी लगी यार सुबह, हाथ वेट करते हैं अब रियल मार्केट में घुसते हैं कहीं पर, ठीक है। अच्छा मैं तुम लोगों को, अभी बहुत लोग लाइव आ रखे हैं ना, 10 10 लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। हाँ इसको मैं अब तुम्हें एक रियलिटी दिखाता हूँ, मेरे जैसे स्कैमर की, जो मेरे जैसे स्कैमर होते हैं ना, यूट्यूबर
इंस्टाग्राम वाले। अभी देखो लगातार हमने 7 दिन से जो मैं तुमको ट्रेड करवा रहा हूँ अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, बढ़िया हुआ। कुछ ट्रेड है उसमें से मैंने भी ली। फिर एक साइकोलॉजी वाली चीज होती है ना कि बाद में जाके मैं और ट्रेड ले ली मैंने, कल मैं बता भी रहा था दीपक लोगों को, बाद में जाके और ट्रेड ली मैंने, तो उसके बाद क्या हुआ ना, अभी पोजिशन देखते हैं, ठीक है। उसके अभी देखो इस पे मैं तुम्हें वेरीफाइड पीएनएल दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो इस पे कल कल पहले मैं 35,000 रुपये प्रॉफिट में था, ठीक हो गया। पहले मैं देखो यहाँ देखो ये दिख रहा है, पहले मैं 35,000 रुपये प्रॉफिट में था जब मैं सुबह तुम्हारे साथ ट्रेडिंग कर रहा था, और ये अकाउंट मैंने 2,000 से 7-8 हज़ार में से 7-8 हज़ार ग्रो करके कल मैंने ये 3-4 दिन के अंदर ही 60,000 रुपये पहुंच गया था, मतलब 50-60 हज़ार रुपये पहुंच गया था ये, 2,000-5,000 ऐसे ग्रो यहाँ से ग्रो करके। अब क्या हुआ, मैंने तुम्हारे साथ ट्रेड करी, मैंने तुम्हें बढ़िया प्रॉफिट वगैरह सब चीज दिलाई। 16 मार्च को भी हमारा प्रॉफिट हुआ था, 1:5, 1:3, 1:2 मारी थी उस दिन हमने, ठीक है। 20 मार्च को, सॉरी 21 को भी यही हुआ, उससे पहले भी लगातार मतलब हम मार्केट में मैं तुम्हें प्रॉफिट करा रहा हूँ। बट साइड बाय साइड क्या हुआ, मतलब मेरी साइकोलॉजी इतनी खराब कि मैं जब लाइव से चले गया उसके बाद और ट्रेड मारी मैंने, और उसके बाद मैं फिर माइनस चले गया, ठीक है। अब यही चीज वो लोग करते हैं जो मेरे जैसे स्कैमर होते हैं समझ लो, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पेपर ट्रेड करते हैं और तुम्हें वहां पर दिखाएंगे भैया हम तो इतना प्रॉफिट कर रहे हैं, खुद का जेनुअन में पैसा वो नहीं लगाएंगे, और जेनुअन पैसा नहीं लगाएंगे और अपना क्या करेंगे, वो पेपर ट्रेड करेंगे। पेपर ट्रेड करके तुम्हें दिखाएंगे भैया हम तो इतना पैसा बना रहे हैं, हम तो उतना पैसा बना रहे हैं, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो जेनुअनली उन बंदों की ना एनालिसिस प्रॉपर चेक करो और रियल मनी पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर नहीं, वरना कहना तो आसान है ना कि भैया ये तोड़ेगा तो सेल ले लो, वो तोड़ेगा तो बाय ले लो बस, और बैठ गए और 4-5 चार्ट हमने ड्रॉ कर दिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ब्रेकआउट ड्रॉ कर दिए। तो जेनुअन सी चीज क्या है उनको चेक करना। और जैसे मुझे देखो मैं तुम्हें लगातार प्रॉफिट करा रहा हूं, बट क्या हुआ मेरी खुद की ट्रेड उल्टी पड़ी यहां पर कल, ये वाली जब मैं लाइव से चले गया था, मैं 35,000 रुपये प्रॉफिट बना लिया था कल अच्छा खासा मैंने, मेरा मेरे ख्याल से सुबह मेरे उसमें पहले मेरे उसमें 2,000 थे, परसों प्रॉफिट हुआ 16,000 का, फिर उससे एक दिन पहले प्रॉफिट आता 7,000, तो 27,000 पे इक्विटी हो रही थी मेरी। फिर कल मैंने 27,000 से प्लस 35,000 यानी कि 35 प्लस 27 कितना हो गया, लगभग लगभग 60,000 रुपये हो गया, मैं 60,000 रुपये प्रॉफिट में आ गया था, मतलब ओवरऑल मेरा अकाउंट बन गया था। लेकिन उसके बाद मैं फिर अपनी माइनस में गए, अभी पैसा लगाया जब उस तभी तो होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है बंदों की, ठीक है। दूसरा वेरीफाइड पीएनएल चेक करना सीखो, हम लोग बंदों के वेरीफाइड पीएनएल देख रहे हैं, वो क्या करते हैं ना जिस दिन प्रॉफिट होता उसी दिन चेक देखेंगे दिखाएंगे अपना बस। अभी जैसे देखो यहां पर मेरा 2 दिन का दिखा रहा है, ठीक है, टोटल पीएनएल 733, ये परसों कल और परसों का है ये, क्योंकि मैंने परसों से ही इसको चेक करना शुरू किया, उससे पहले का नहीं दिखाएगा ये। उससे पहले का अगर मैं देखूं, मैंने काइट पे करा था शायद पहले से, तो इसका काइट का देखता हूं मैं एक बार, ठीक है। ये कहां पे आता है, कंसोल में आता, कहां वेरीफाइड पीएनएल इसमें आता है, तो वेरीफाइड पीएनएल भी लोग ना ऐसे करके अपना वो कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, अभी यहां पर देखो इस पे मेरे को 14,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 3,500 रुपये इसमें टैक्सेस कटे हैं, कुछ ट्रेड है मैंने फालतू ली थी जो मैं कल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अच्छा खासा, ये 34,000 रुपये प्रॉफिट है माइनस, फिर बीच में हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट करे थे, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूरा हमने चेक करना है बंदे का प्रॉपर। देखो फर्स्ट दिन जिस दिन ये इसमें मेरा 18 मार्च से शुरू है लाइव ट्रेडिंग में, 14-15 से आता आई गेस, बट 2-3 दिन में ट्रेड नहीं कर पाया था, सेगमेंट ऑफ था, ठीक है। 21,000, फिर मेरा 1400, पहले दिन मेरे को 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, फिर 1400 का माइनस हुआ, फिर मैं सीधे 16,000 रुपये प्रॉफिट में आया, फिर 700 रुपये, ठीक है। तो ऐसे करके उन लोगों की बातों में नहीं आना है, फालतू की बातों में वो लोग क्या कर रहे हैं इसको मॉडिफाई हो जाता है ये। अभी इस पे एक और चीज दिखाता हूँ मैं, एक और ऑप्शन आता है इस पे कहीं पर, रुकना 1 मिनट, हाँ ये ROIN कैपिटल, ये बंद होगा लोगों का, ठीक है, ये बंद है, ये मेरा अभी 2 दिन का ही है, मैंने पुराना वाला भी दिखा दिया तुमको, तो ये बंद होगा लोगों का, जहां से मैंने शुरू से ग्रो किया था वो इस पे पड़ा है, ठीक है, ये 2 दिन से, तो ये बंद रखे रहेंगे। भाई तुम 40 लाख रुपए लगा रहे हो और उसके बाद तुम कह रहे हो कि हम 40-50 हज़ार रुपये बना रहे हैं, वो प्रॉफिट दिखा के तुम दूसरों को बेवकूफ बना रहे हो, ठीक है।
तो ये चीज अभी हमने क्या करनी है ना, चेक करनी है बंदे को, ये बोलना कि भैया आरओआई दिखाओ, आरओआई दिखाओ बंदे को, आरओआई कैपिटल दिखाओ, ठीक हो गया। ये चीजें बहुत जरूरी है, ये वेरीफाइड पैनल को इस टाइप से लोग इस टाइप से घुमा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये चेक करना जरूरी है, अगर कोई देखता भी है, जैसे यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं, अगर वो लोग किसी को देखते भी है ना, तो ये जरूरी है कि आप लोग उसका वेरीफाइड पीएनएल वगैरह इस टाइप से देखो, ठीक है। अब जैसे पुराना वाला है मेरा वेरीफाइड पीएनएल, उस पे मैं इसको इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन, और इसको कर देते हैं 24 मार्च 24। चलो कितने से शुरू किया था मैंने, 15 से शुरू किया था शायद लाइव इस पे वाले अकाउंट पे। तो इस पे अभी दिखा रहा है मुझे कि 14,000 रुपये अभी भी मैं प्लस में हूँ, 3,500, मतलब टोटल मेरा 18,000 रुपये प्लस में हूँ। कल वाला अगर मैं, नहीं अभी नहीं आया भाई जून पे, अभी नहीं आया जून पे, कौन है सेंसेक्स आया जून पे वाला, नहीं, अभी नहीं आया अभी पहले, ठीक है उसको देखेंगे अभी। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है, बंदा इसको मॉडिफाई कर रहे हैं अपने हिसाब से, इसको चाहे तो बंदा इसमें अपने आरओआई हटा रहा है भाई, 1 करोड़ रुपया लगा रहा है, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपया बना रहा है दिन का, और उसी चीज पे क्या है बंदा, उसी पे बंदे खुश हो जा रहे हैं कि भैया हमें तो क्या है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमको मिल गया है, हम उसको कॉपी करेंगे। बट ऐसा नहीं है, समझे गुरु या नहीं समझे, अभी जाने दो इसको यार, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, 72,600 के करीब पहुंचे, 72,700-800 से फिर आएंगे हम लोग। यज्ञ कह रहा होगा, फ्लो में ज्यादा बह जाते हैं यार सर करके ना, इस पे एक एक 500 200, एक छोटी मोटी एक ट्रेड तो बनती है, बनती 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 है भाई, एक ट्रेड बनती है सेंसेक्स, सस्ता सस्ता देखो कोई मिलता है तो। बहत्तर आठ सौ, इतना महंगा क्यों चल रहा है, 73,400, एक गल के वापस आ गए क्या, इस पे भी सही इफेक्ट आया था, 73,500 पे कितना इफेक्ट आया है इसका। नहीं यार अभी रहन दो वेट करो यार, ये चढ़े हुए हैं पहले से, वेट करो थोड़ा वेट करो, प्राइज ही नहीं है वो प्राइज है ही नहीं जो होना चाहिए था, खाली बेवकूफी है मार्केट में घुसना। आएगी तो अच्छी ट्रेड लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं लेंगे, बात खत्म, सिंपल एज सिंपल एज दैट, बस केतन सर भी आ रखे हैं, गुड मॉर्निंग केतन सर, का हाल बा, महंगा है ये प्रीमियम, अभी भी ये प्रीमियम लगभग लगभग मार्केट ऊपर चढ़ भी रही है तो कम से कम ये 7-8 पे होना चाहिए था, अगर चढ़ भी रही है तो, यानी कि ये अभी थोड़े टाइम बाद ना बहुत फास्ट डीके होगा, ये ध्यान रखना, मार्केट में घुसे नहीं है शायद अभी बंदे ना प्रॉपर, मार्केट में घुसेंगे भी प्रीमियम बहुत तेज डीके करेंगे। क्या कह रहा है भाई बॉल बच्चन, बॉल बच्चन ठीक है सर आपके, गया गया ऊपर बट महंगा था ना, नहीं लिया, गया ना ऊपर, कोई फायदा नहीं इतना महंगा लेके, भाई कह दिया जाएगा,
एक बार कह दिया ना जाएगा तो जाएगा। अब कहीं ऐसा हो रहा है ना, जो ट्रेड हम ले रहे हैं कि ये तो यार वन रेस तो इतनी अच्छी खासी जाएगी, वही यार ये पर माइनस में दिन भर गाली खाऊंगा सबके यार। दो ट्रेड तो वैसे बहुत तगड़ी चली गई है, और मैंने बोला मतलब रुको, पहले बोला लो फिर बोला मतलब महंगी है, अब लास्ट में जो ट्रेड में बता रहा हूँ यार ठीक होगी वो जा रही है तो फिर तो खत्म है, उल्टी चली गई। तो इसलिए अब मैं ट्रेड नहीं बताता हूँ, अब मैं बोलता हूँ मत लो। इसके सेंसेक्स पे फोकस रखे रहना पड़ेगा। सेंसेक्स आ रहा है जोन पे आ रहा है भाई यहाँ से, अब ये 600 600 कितना हो गया, ये 72780 पहुंच गया है, ये 72800 से भाई कितना लेट चल रहा है वो। बोरिंग बोरिंग मैया जी का देख लिया हो गया इसका तो 803 822 863 भाई 72 ही है ना, हाँ 72 73 यहाँ कहीं ये वाले जोन पे लगे हैं, वीक डली हुई है 5 मिनट पे, एसएल वाले प्रॉपर चीजें इस टाइप की डली हुई है यहाँ। हाँ वही है, वो कहाँ गया जो प्रीमियम बढ़ रहा था बंगा बंग, बढ़िया चले गया 14 से भी ले तो 1:2 तो वैसे ही चले गई है, अगर हम वो भी नहीं गिनते तो। फिर से मजा आया नहीं, दो बार सुबह से बढ़िया ट्रेड चली गई है यार। अब मुझे एक ही डर है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि वाली ट्रेड लो वो उल्टी चलेगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। ₹72,785, अच्छा यार 72,800 ट्राई वो तो करके आ गया है भाई, यहां से तो बनती है पुट, आगे पुट कवरेज मार्केट। अबे इतने पैसे कहाँ से आ रखे हैं इनके पास, से कहाँ से ले रहे हैं इतना सब, ये आप पुट पुट का प्राइस देख रहे हैं, दूर का लेना पड़ेगा यार ये। भाई इसी वाली पुट ले लो, कौन सी है ये 71,400, ₹71,400 यार सबका सिस्टम हिला हुआ है क्या।
हाँ 71,400 पी। इकहत्तर 400 ले लेना पी। इसके ब्रेक इवन डाल लो, मैं थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो। ब्रेक इवन तो तुम्हें पता है, जैसी ट्रेड प्लस में आती है सीधे अपना एसएल ट्रेल करते रहना पीछे साइड। ठीक है, एसएल ट्रेल पे फोकस करना है अपना। 73 है, कितना है ये? 71,400 भाई, 71,400, 71,400 का है ये दिखना है यहाँ पर, ये 71,400, ये अबे 73,400 किसने कहा? 71,400 ले रहा हूँ यार दीपक। अबे किसने कहा 73,400 का? क्या मैंने 71,400 ले रहा इतनी देर से? अच्छा मार्केट में सेकंड कंफर्मेशन 73,400 का पुट ले लिया वैसे इसी के पास होगा दीपक के पास सी लेके बैठ गया 73,400 का। अबे सी का भी इसी के पास। सेंसेक्स का चार्ट कहाँ गया मेरे को? भाई ये गजब ऐप है यार, जीरोधा ना वाह कसम। दे दे यार एक बाउंस बैक। चलो इसको जान दो यार। ठीक है, आज तो लाइव ट्रेड ले रहा हूं मैं, आज मेरे को बहुत चीजें आ गई सेट की। अब ब्रेक इवन सेट कर लेना, ठीक है, ऊपर को जाती है मार्केट को। तो जो जो उस पे ले रखा है उस पे भी नहीं मिलेगा लाइव डेटा, मतलब लाइव चार्ट नहीं आएगा उस पे। अच्छा अलग से ग्रीन लाइन ट्रेडिंग छोड़ दो दो, एक मिड कैप हो गया, एक सेंसेक्स हो गया, दोनों में नहीं कर पाती। ₹500 BAC भेज दे रहे हैं मतलब। किसका किसका टीपी हिट हो गया भाई? 10-15 तो पहुंचा भी नहीं है ये, 10-5 किसका टीपी हिट हो गया दीपक? वन रे से वन बेल दी क्या तूने? थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करा, इसको वेट करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग होल्ड करो, लॉन्ग होल्ड करना पड़ेगा इसको। कम कम ही लेना, ठीक है, कम ही होंगे ना, पहले वाले कम ही लेते हैं हम, फिर एवरेजिंग पे आएंगे। ठीक है, मार्केट मोमेंटम देखते हैं इसको कहाँ गया हो।
इसमें यही खो जाते हैं यार बार बार ये रहा। नहीं नहीं सही है सही है, आ रहा है आ रहा है। फिर रिजेक्शन लेगा ये, फिर लेगा रिजेक्शन। अबे क्या क्या लगा रहे हो तुम ये। दोबारा क्या रिजेक्शन लेने हैं, कम कम ही लेना नीचे से। फिर वही है नीचे से एवरेजिंग का टाइम है इसका ये। हाँ नीचे से एवरेजिंग है इस पे। अब एकदम से क्यों रुक जा रहे हो, एकदम से मत लो ना इतनी लौट यार, क्या करते हो पता नहीं। वेट करो कोई नहीं, वेट करो।
अब आ रही है, अब आ रही है। तो रिजेक्शन लेने दो इसको, एक बार रिजेक्शन लेता है तो। कोशिश तो कर रहे हैं बेचारे रिजेक्शन की ना। अब लिया इसने बढ़िया वाला रिजेक्शन। नहीं एक मिनट रुक जाओ, एक बार कंफर्मेशन दो। एवरेजिंग अब कर लो, लॉट बढ़ा लो, लॉट बढ़ा लो थोड़ा सा, लॉट बढ़ा लो। एक मिनट देख के 5 मिनट चला रहा हूँ मैं इधर। लॉट बढ़ा लो अब, कहाँ गया हो, यहीं था ना कहीं, क्या यहीं से है ना लॉट बढ़ाने का। बढ़िया, इसको डालने दो। एक बार यहां से गिरी ना मार्केट तो फिर तो यार मजे हैं। इतना तो देगी एक कैंडल में ना, एक कैंडल में अगर इतना दे दिया इसने तो फिर बल्ले बल्ले। बढ़ाए लौट, बढ़ाए होप, होप फॉर द गुड। अब इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इतना कि यार एक मूवमेंट, एक जो हमारी ट्रेड है उतने मूवमेंट देखनी। बढ़ाता क्यों नहीं है फिर लौट, अब आपका बढ़ाएगा अगले साल। अब तो
अब तो मार्केट भी उल्टी चलेगी, अब तो बढ़ा ले। अच्छा एवरेजिंग के लिए एक नहीं बढ़ानी है, कम से कम 3-4 तो करो। चलो ठीक है, जिसका जितना उतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केटिंग खा रही है सारा पैसा ना साला, अभी तो लगे कि हाथ ये भी हमारे। अच्छा कब उठाएगा अभी प्रीमियम, यार इतनी गिर गई है मार्केट ऊपर से, प्रीमियम उठाने का नाम ही नहीं ले रहे। कब उठाएगी मार्केट प्रीमियम? 252 रुपये बहुत है यार आज के लिए।72,300। हाँ यार ये तो बिल्कुल ही प्रीमियम नहीं उठा दे रहा, डीके गजब मार रहा है। देखो डीके गजब मार रहा है और उठा बिल्कुल नहीं रहा है प्रीमियम को यार। भाई क्या ये माइनस है क्या? ये -7 क्यों आ रहा है? अच्छा डैश है ये। इसको भी नीचे, इसको इसको काटना मत, ठीक है? एसएल नहीं है ये, खाली रखा है मैंने।
इसको एसएल मत रखना ठीक है, होल्ड रखनी है ट्रेड, फिर रिटेस्ट के लिए जा रहा है, पता नहीं क्यों जा रहा है। चलो वेट करते हैं। ओ भाई क्या क्या गया है यार ये, गजब। इतनी मार्केट यहां से वहां गिरी साला, पी में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। एवरेजिंग कितने में आई? यार बाहर का ही तो पैसा खाना है, इससे पहले कि हमारा खत्म हो जाए। इससे पहले कि हमारा पैसा खत्म हो जाए, मैं बाहर का खाना पड़ेगा फटाफट। बिना अब तो भजन के सारे बैठना पड़ेगा यार। Gracias.
भाई आज ये प्रीमियम डीके खाने वाले मुझे लग रहा है दिन भर।
कंसोलिडेट कर दिया इन लोगों ने फिर मार्केट, फिर मैम डिगे खाते आज कोई ना, वेट करो थोड़ा। ये वाला जोन सही था एवरेजिंग के लिए, थोड़ा जल्दी कर दी शायद हमने, भी नहीं फिर भी। हमार सुनेलवा तो फटेलवा यार, और फटेलवा ये जोन जहां पर अभी पहुंची है ना, ये था यहाँ, ये था साला। हमने पहले थोड़ा जल्दी कर दिया एवरेजिंग, वेट करना था थोड़ा सा।
भजनी भजनी हमें बचा सकता। तो खाने में लगता था प्रीमियम यार, एक फास्ट मूवमेंट थी मार्केट को। नहीं दे रहा बिल्कुल यार, ये मार रहा है ऐसे। थोड़ा जल्दी करती शायद यार, आज हमने वेट नहीं करा था।
तेरा सावन आया देवंगे देख, मेरी आंखों का भी सावन जरा देख, दिया तेरे आगे मैंने माथा टेक, पीड़ा हरो मेरी मेरे महादेव, तेरा दास ना तो राम या तो रावण है, दिल में बहता मेरे पापों का ही सागर है, कांटों पे चलूं मैं तो नाम लेके तेरा ही, हृदय ने पीड़ा का उठाया जैसे कावड़ है, भरा काफी मुझे आगे तेरे होना खाली, तुमसे छुपी ना है बातें मेरी पीड़ा वाली, तेरे सिवा इन लोगों से मैं पूछूं क्या, ये तो गानों में भी देते मुझे आगे गाली, कली के काल में तू ही मुझे थामता है, साथ तेरे दास दुखों को भी बांटता है, लोग सोचे मेरी जिंदगी विलास की, मेरा अकेलापन तू ही प्रभु जानता है, मेरी चीखों में है माना नहीं शोर भरा, सीना चीर के ये दिल तेरी और करा, तूने ही देखा जब खाली पेट सोया था, वरना दुनिया ने ना मुझ पे कभी मार्केट इतनी गिर गई यार, ये कहां नहीं क्यों नहीं लगा, तूने सारा कुछ मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इतने गिनने के बाद भी सम करते जटाओ ये होता ना यार दीपक हाँ यहां से कर ले एवरेज कर ले, एक एक झटके के लिए रुकेंगे ये वाले, या तो इस पे से वापस आएगा या तो इस पे से वापस आएगा, उसके लिए रुक ले। वेट कर थोड़ा वेट कर, इस वाले से करेंगे या ऊपर या नीचे को झटका देगा साला, डीके प्रीमियम डीके खाने में लगा यार मार्केट, ऊपर नीचे से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है इसको। इसका ये तो एसएल पे गया, बाहर निकल जाओ बाकी लोग, दीपक रुक जा तो वेट कर, बाकी लोग बाहर निकल जाओ एसएल पे, इटो एसएल इटो के बाहर निकल जाओ, बाकी लोग बाहर निकल जाओ।
आज बहुत दिनों बाद एसएल खाया यार, 4-5 दिन बाद लगभग, लगातार पहली बार एसएल खाया इसमें आज। अरे ऐसे ही होता है यार दीपक, मनुष्यत है ना यार, क्या करें अब, इसका इलाज भी तो नहीं है इस मनुष्यत का। हम तो डूबे हैं सनम, दूसरों को भी ले डूबेंगे वाला है ना तेरा। रुक जा तू, वेट कर अभी एवरेजिंग करवा के, थोड़े में ही निकलते हैं तेरे लिए। यहाँ से यहाँ से कर सकता है एवरेजिंग दीपक, यहाँ से कर ले एवरेजिंग, कर ले यहाँ से एक।
कर ले यहां से कर ले। अरे कर ले भाई, कितनी बार बताऊंगा। एवरेज यार जितना नजदीक हो सकता है उतना ले जा ले। एक एक या दो झटके, एक झटका है इसका बस, जितना नजदीक हो सकता है। शंकर तेरी चट्टान, एक झटके में बाहर निकलना, लेकिन उसके बाद सीधे। तेरी रहती है यार, दीपक मार्केट हमारे साथ, हमारे साथ। चलो तो जब तक ये वाला जोन है तब तक तो वेट करेंगे मार्केट में हम लोग। मैं गिरा हुआ बंदा बड़ा नीच बलिए हो गया आज हमारे साथ, दीपक और मेरे साथ। मेरा देखना ही इतना चल रहा है माइनस, क्यों टेंशन ले रहा है तू। कॉल तो सही लेके बैठा था तू। कॉल सही लेके बैठा था तू, ये वाली कॉल लेके बैठा था ना तू समय।
ऐसा लगाना भी जरूरी है ना यार, वरना लोग रिपोर्ट कर देंगे यार, कैसे बुला रहे हैं करके इन्फॉर्मेशन ये लोग, इंटरनल इन्फॉर्मेशन।
लगातार पोजीशन बढ़ रही है यार, रुक जा। ये है इधर है, ऊपर है ये, इधर विग देख रहे हैं, यहां तक डली है। अब प्रीमियम डीके कितना जो होगा होगा भी तो यहां से। सारी जिंदगी भर की मेहनत लेके घुसा है क्या इसमें? सारी जिंदगी भर का पैसा लेके घुसा है क्या ट्रेड में? कल तक तू ना ट्रेड नहीं लेता था, कल तक ट्रेड नहीं लेता था, तू बहुत बढ़िया में रहता था सबका। आज जैसे ही तूने ट्रेड ली, बस कर गया खत्म। बस भाई, अब तो बनना पड़ेगा, अब तो निकलना पड़ेगा चीता बन के बाहर मार्केट से। डीके अब ये थोड़े समय भी बढ़िया हो दे रहा है देने को, तो अब जोन का इंतजार करना पड़ेगा। अब तो रिवर्सल लेना ही पड़ेगा इस मार्केट ने दीपक, तेरी खातिर। अब तो इस मार्केट ने रिवर्स अब तो मार्केट को रिवर्सल चाहिए भी है तेरी खातिर, वरना नहीं हो पाएगा संघर्ष। मैं कह रहा था कि सुबह देर से, जैसी जब तक मैं बोल रहा हूँ कि मतलब तू अच्छी जा रही है, जाएगी करता अच्छी जा रही है, जैसी मैंने बोला कि यार अब ट्रेड करने की बारी आएगी ना, उस समय हम पक्का होंगे करके, गाली पड़ेगी मुझे करके, वैसा ही हो गया आज। शेर आदमी है यार, तू रोर कर थोड़ा।
चीता ही कहते हैं। नहीं सुना क्या तूने वाला? चीता ही कहते हैं वाला। अरे आ जाएगा दीपक, टेंशन मत ले यार, हमें एक ही रिजेक्शन चाहिए, तूने एवरेजिंग कर दी प्राइस, टेंशन मत ले तू बस। अरे मैं भी खड़ा हूं तेरे साथ यार, क्यों टेंशन ले रहा है तू? मैं हूं खड़ा तेरे साथ। हाँ मेरा PNL देखेगा, 243 रुपये बचे मेरे, कहाँ के पोजीशन, ये है मेरा PNL, देख दिया, ये है मेरा तो 7.5 7 का और एवरेज, देख तेरे एवरेज के बराबर आने वाली मार्केट। नहीं साढ़े 7 का है ना एवरेज, अब मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं उतना ही दिया था स्ट्रेट को मैंने, क्योंकि मैंने तुमको पहले भी बोला हुआ है कि मेरे जब ट्रेडिंग करते हैं तो पूरा 0 लेके चला करो। स्लोली 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 बढ़ रहा है भाई, मैं पहले ही वो लेके चला था कि 7.5 से मेरा 0 ही होगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग ऐसे करता हूँ, तुम लोगों को पता तो है। 7.5 मेरा ये नहीं है कि 5 पॉइंट का मैंने SL बोल दिया, 5 पॉइंट का TP बोल दिया, ऐसे इस हिसाब से तो अगर हम उनके हिसाब से गिनेंगे ना तो हम तो फिर रोज ही 1:18 1:20 के लॉट मार रहे हैं उस हिसाब से, तो जैसे वो लोग करते हैं, तो पूरे ही लेके चलो, भले ही कम लगाओ बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यार मैं तुम्हें रोज रोज थोड़ी ना चीजें बताऊंगा, रोज रोज थोड़ी ना मैं कि यार कैसे ट्रेडिंग करनी, क्या ट्रेडिंग करने की क्या फायदा हुआ बताओ, तुम एक ही में घुसा रहे हो सारा पैसा, तुम सोच रहे हो कि हम हीरो बन जाए, 0 to Hero, तभी तो कहता हूँ सामने वाले की ट्रेडिंग स्टाइल देखो पहले, तभी तो मना करता हूँ हर किसी को फॉलो करने के लिए कि यार मेरे को डायरेक्ट तो फॉलो मत करो करके, पहले देखो कैसे ट्रेड करता हूँ। बात बढ़ गया कि नहीं है, अगर ऐसे गड़बड़ करोगे क्या फायदा हुआ ट्रेडिंग करने का फिर?
बेसिक तुम्हें रोज थोड़ा ना बताऊंगा सुबह आके मैं बेसिक, या तो इसका एक वीडियो बना देता हूँ मैं, उस पर डाल देता हूँ सारा कि भैया कैसे कैसे ट्रेडिंग करनी है। मैं को तुमसे कोई 1-1 लाख लगाओ 2-2 लाख लगाओ वाली बात है थोड़ी ना यहाँ पर, कि यार 1 लाख लगाया 10 पॉइंट बने और निकल गए। हाँ फिर तो ठीक है, मैंने पहले भी बोला हुआ है मैं चाहे 200 का प्रीमियम लूँ 400 का प्रीमियम लूँ, जीरो जीरो के हिसाब से लेता हूँ मैं, तो उसी हिसाब से ट्रेडिंग करो। 6 का अगर 18 गया ऐसे तो मैं कहूंगा 6 का अगर 4 में ऐसे ले तो 1:6 हो गई, वो 1:7 हो गई, पर 1:2 ही क्यों बोलता हूँ उसको, 1:3 क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसको लेता ही उतना हूँ। खाली दूसरों को डरा देता है ना यार, हाँ जाने में दुख तो होता ही है यार, तो बेचारे आए दो चार आएंगे उनको डरा देगा तू, वो तो लास्ट वाला है एक गया जिसमें 3 या 4 गुना बना के निकलेंगे जो फंसे हैं बस, बाकी लोग नहीं। कौन सा चार्ट, ये वाला? नहीं आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है यार, रिकवर करने के लिए हो जाएगा, बट ये कि कैपिटल एक ही ट्रेड में लगाना वो गलत है कह रहा हूं मैं तेरे। यार दीपक सर हमने आपसे कुछ कहा क्या यार? नहीं प्रीमियम वाला तो था भाई पहले, ये वाला प्रीमियम वाला तो है जो ट्रेड लिए है, यहीं से तो एवरेजिंग करी थी तूने सही। दोबारा कितने पे आ गई तेरी एवरेजिंग, 5-55 पे, कितने पे? फोर पॉइंट फाइव है, गया तो था अभी मार्केट निकला क्यों नहीं फिर? अच्छा बच गया था थोड़ा सा,
अब वही रह गया है, और कुछ नहीं रह गया है। अब वहीं से बन सकते हैं करोड़पति ना। कल से जितनी एनालिसिस इसमें कर रहे हो उसमें लगाते हैं अब जोर। इसमें डीके 1-2 रुपए ही होना है बस, और कहीं झटका मिलता तो पड़ गया है।
तैयार है दीपक? यार अगेन तक तो मार्केट वापस चले जा रही है यार, क्या करें अब। प्रेशर बना दे ना उसको, प्रेशर बना दे पहले, प्रेशर तो बना दे उनको। ऐसे ऐसे मार्केट में तो डीके ही खाएगा मुझे, और कुछ नहीं खा पाएगा इसको।
मिड कैप निफ्टी अभी देखते हैं यार, रुक जा। कौन बोल रहा है तेरे से ऐसा? अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल दिए तूने?
आंधे अब आया मूव, अभी और आएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर फिट बैठता है एक दो कैंडल और रेड बनने दे इसकी। हाँ मार्केट वहीं पर है, नीचे को जो लगाती मजा आ जाएगा। दिखाओ, हम तो तैयार हैं, दिखाओ ना। तो कहाँ कर, चले जाए फिर, अब हम चल दे फिर अब घर को। अब नहीं बची है दुनिया हमारे लिए, हमारे रहने लायक नहीं बची है दुनिया अब। ये क्या वाला बचा है, ये तो तोड़ देता है, बहुत पावरफुल है यार, मजा आ जाता है खा पर ये तोड़ देता है इसको तो। ये इस पे नहीं बन पा रहा है ऐसा मेरा यार, ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग पे गड़बड़ जा रही है मेरी, कोई डेटा आ रहा है उस पे सीन चौड़ा हो गया था, गड़बड़ हो गई।
इसका इंतजार है, ये वाले का वेट करना है अभी। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो डीके ही खा गई यार मार्केट आ रहा साला। मोमेंट ने कुछ नहीं खाया, पूरा डीके खा गई मार्केट। कोई ना, आज दिन नहीं है। सागर भाई है। ये सब डिले चार्ट क्यों आ रहे हैं इसमें? यार 72,825, 72,822, 15 मिनट का होता है इसमें। भाई इतने इतने तक तो आ रही है, निकल जाना। लगभग लगभग पहुंच ही गई, 4:50 भी गई मार्केट एक बार, बराबर में ही निकल जा। अरे ये कैसे कैंडल बन रही है, देखते हैं। लेट याली बन रही है।
निकल गया ना, चलो बढ़िया है फिर, कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरी ट्रेड देखते हैं। मार्केट आधे में चल लिया सब जगह, अब निफ्टी और इसका सेम चल रहा है, चार्ट सेम चल रहा है क्या? देख निफ्टी ये तो लाइव है ना, सेम नहीं चल रहा। ऑलमोस्ट आज सबसे फायदे में रहा धीरज, धीरज के ब्रोकर ने ट्रेड ही नहीं लेनी थी उसको। सबसे ज्यादा फायदे में धीरज ही रहा, ट्रेड ही नहीं लेनी थी उसके ब्रोकर ने उसको। चलो तो वेट करते हैं थोड़ा सा और, कहाँ ये तो सेंसेक्स का ही है। मिड कैप निफ्टी अभी तो यार सब मार्केट आधे में ही है, अब रुकना पड़ेगा थोड़ा, हायर अप से गजब उठ रखा है यार ये, सेम ही कर रहे हैं यार सब। एक इस पे वो कैसे होता है रे, गोल्ड वाला गोल्ड ये वाली ट्रेड मत लेना हाँ, जो मैंने भी ली है ये वाली मत लेना, ये मैंने ऐसी ली है ट्रायल के लिए।
ऊपर के जोन के रिजेक्शन के लिए देखते हैं एक बार इसको, और लेना मत आ इसको, खाली रख, मैंने वैसे लिए चेक करने के लिए। वैसे डेमो मसाला पता नहीं चलता ना प्रीमियम गलने और उन चीजों का। मोदी जी का तो बढ़िया है यार, वॉच टाइम पूरा हो जाएगा मोदी जी का। बोल दो, मोदी जी का वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा। आज तो अब किसी में लग नहीं रही यार ऐसी ट्रेड ना मुझे जो मिले और बढ़िया जाए, सब अटक रखी है मार्केट। सबके सेम ही हाल हो रखे, निफ्टी बैंक निफ्टी सबके। कोई पेयर है क्या नजर में? जग्ञा दीपक धीरज कुछ है पेयर नजर में? देखो तो मंथली मैं 20 घंटे मेरे को लेना पड़ेगा। अरे रेटा कौन है? रेटा रेटा में ऑप्शन ही कहा है भाई, ऑप्शन चैन वगैरह है कहाँ? रेटा तो लगा है, अपर सर्किट मार दिया इस पे। इरेडा तो मैंने कितने दिन बताया, 4-5 दिन पहले बता दिया था इरेडा, तब से लगातार चढ़ने में है ये। उसी दिन 5% दे दिया था मैंने, ग्रुप में भी डाला था। अपर सर्किट पड़ गया इस पे, इरेडा मैंने यहाँ से बता दिया था नीचे से, यहाँ 127 वाले जोन से, यहाँ पर से बाइंग थी इरेडा की इस वाले जोन से। अरे इक्विटीज के लिए पैसा बहुत चाहिए यार, ऑप्शन वाले बताओ कोई। HDFC का क्या चल रहा है सीन? ये भी लंबाई जाएगा।
निफ्टी, निफ्टी और ये तो सेम ही नाच रहे हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। आज वेट ही करना पड़ेगा यार, फंस रखे हैं बीच में मार्केट में। बैंक निफ्टी वगैरह बहुत महंगी हो गई आज। ₹186.64। निफ्टी का भी जोन वैसे ही बन रहा है जैसे उसका बना था, सेम। थोड़ा ऊपर से है इसकी सेलिंग, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जीरो ने सेव करके रखे हुए हैं यार चार्ट। मिड कैप निफ्टी भी वही चल रहा है यार सागर भाई, सेम ही चल रहा है इनका। एक तो एक्सपायरी है, ऊपर से अड़िया रखा, अड़ा रखा है इन्होंने, अड़ा अड़िया रखा, अड़िया। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में क्या लग रहा है सागर, कहाँ को लग रहा है? सेम ही चल रहे हैं यार ये सारी मार्केटें, उन्होंने वो कर रखी है, इसी पॉइंट पर रोक दे रहे हैं साले रोज इस मार्केट को, इसको बढ़ाते हैं। वेट ही करना पड़ेगा यार, इनका कुछ आता है हाथ में तो। अब इतनी जल्दी तो मिलने से रहा है, आज बहुत अटके अटका रखी है इन्होंने मार्केट, अटका जैसी। रेटा में पैसा भी तो उतना ही चाहिए होगा यार दीपक, तुम तो ले आओगे, हम कहाँ से लाएंगे उतना पैसा, हम तो एक गरीब ट्रेडर। हम तो भाई गरीब ट्रेडर, लॉस वाले। देख मेरे को क्या अटैक करता है भाई, किसी को कहाँ कहाँ चले गए, किसी को कहाँ कहाँ मुझे ही दे। बताओ यार ऐसी बातें चल रही हैं।
एक कंपनी के सीईओ ने कहीं और शादी कर ली, लोग मेरे पे सवाल उठा रहे हैं कि लोगों के सीईओ कहाँ कहाँ पहुंच गए और हमारा सीईओ यहीं बैठा है करके, ये भी कोई बात हुई? शिवा का बिल्लू आने सुनने का मन नहीं हो रहा तेरा? दीपक बिल्लू रानी का मन नहीं आज तेरा? जिंदगी से गुफ्तगू, मैं खुद से क्या कहूँ, कुछ ऐसा क्या करूँ जो पास उस पे खुश। हाँ मैं लिखते लू, मैं खुद से लिखते जू, मैं करूँ हसल कि कुछ तो करूँ अलग, जो लगे गलत मैं उनको खुद से करूँ अलग। फिर राह पे ना चला उनके रास्तों पे, बढ़ना है आगे कभी रुको ना निराश होके। सब बड़े हाथ धोगे केवल तुम मेरा साथ दोगे, शाम होते साथ होके थामोगे। हाँ ऊपर वाले तुम है, नाम तेरा प्रार्थनाओं में, दया कर ये मेरे पाप होते हैं। बया कर सही गलत का हिसाब, कौन दे राह खोज दे, मुझे खुद की तलाश जो है। खुशी से जियो आज ना कल का पता, जिस बातों से जो भर दूं बने लगे हल्का बड़ा। मैं जानू कौन खले कौन जले, बातें पीछे कौन करे, पर करूं प्रार्थना कर सबका भला। ये आपका तो करूं प्रार्थना, मेल से मेल मिले ना रहे कोई फासला, पति ना फिरे किसी की रहे सदा आस्था, मैं प्रभु करूं आसना हरी हरी जापता। ये हाँ मैं तो करूं प्रार्थना, लूट न पड़े दिलों में रहे अभिलाषा, रोज तो ना पर जब भी मैं करूं तुम्हें जानता, मैं प्रभु करूं आसना हरी हरी जापता। ये मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता। ये मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता। ये मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता। ये मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता, मैं हरी हरी जापता। You're my prayer enough, educating enough, hope you feeling good, want see you glow, knowing what you should. As you already know, I can give you nothing but my heart. I pray they do not kill each other, cause we're bound to live lost. That's the real part. I need all my people who've been waiting from the start. Look, cause somebody gotta do it. So we started moving, whoa, we're one. If you win or lose it, usually I don't pray to God. You know I'll be busy booming music, pulling all the stops out. Ain't no excuses, drugs don't amuse me. Crazy kid, kid, don't abuse it, it's useless. So many lives ruined, so many times missed. You show the human that the way you fucking stupid. It's the pussy going outside. Hey, we need to outright. Yeah. हाँ मैं तो करूँ प्रार्थना, मेल से मेल मिले ना रहे कोई फासला, पति ना फिरे किसी की रहे सदा आस्था, मैं प्रभु करूँ आसना हरी हरी। ये तू यार दीपक केले लगाया भाई पे, नहीं है तेरे लिए। अगर कुछ बनता है तो फिर आते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, फिर मैसेज करते रहते हो कब आओगे करके, सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए सॉरी
हमको आते हैं यार, आज तो टाइम ही टाइम। आप टाइम यार 3 बजे 4 बजे, 3 बजे 4 बजे 4 बजे आएंगे। आइसक्रीम लेते हुए आना का, ठीक है भाई। आज निफ्टी का जो जोन बनाया था उसमें ट्रेड लेके भी फायदा नहीं है, बहुत महंगे में चल रही है निफ्टी। इतना इतने में कोई फायदा नहीं है। मंडे को छुट्टी है क्या मार्केट की? कितनी तारीख है मंडे को? 22, 23, 24, 25, 25 है ना? भाई 25 को छुट्टी है, आप ट्यूसडे को ही मिलते हैं सीधे। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अगर बीच में कोई ट्रेड वगैरह आती है तो आऊँगा लाइव, वरना ऐसा लग नहीं रहा मुझे ऐसी कोई ट्रेड ट्रेड मिलेगी आज करके। ये यही जोन है रिजेक्शन का, और यही सेंसेक्स में भी बन रहा है रिजेक्शन का ऐसा ही जोन। बहत्तर 900 के करीब वाला, वहां से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्या पता शाम तक वहां चढ़े मार्केट तो वापस आएगी, तो वहां से देखते हैं। ठीक है, 72-900 वाला जोन एक बार ध्यान में रखना सारे लोग। अगर नी भी आया, अगर बनती है तो कुछ टाइम के लिए ले लेना उस ट्रेड को। चलो फिर मिलते हैं बाकी।